तफक्कुर का मतलब है गौर व फिक्र करना, गौर करना, सोचना। ये सोचना बहुत बड़ी इबादत है। सलफ़ सालहीन फरमाया करते थे कि एक घड़ी, एक लम्हा अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की शान के बारे में सोचना 1000 रकत नफली नमाज पढ़ने से बेहतर है। जी हाँ, एक लम्हा अल्लाह की शान को सोचना, अल्लाह की कुदरत के बारे में गौर करना, ये 1000 नफली रकत पढ़ने से बेहतर है। क्यों? इसलिए है क्योंकि जब इंसान अल्लाह की शान के बारे में सोचता है तो उसे अल्लाह की मार्फत और पहचान हासिल होती है, और जब अल्लाह की मार्फत हासिल होती है तो फिर उसको अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाती है। और यही तो है कि जब अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल में बढ़ जाएगी, अल्लाह की मार्फत जितनी ज़्यादा होगी इबादत में उसे इसी कदर लुत्फ़ आएगा। जब आप अल्लाह ताला की बड़ाई के बारे में सोचेंगे, आप ज़रा मेरे साथ सोचिए कि हमारा साइज़ क्या है, हम कितने लंबे हैं, कितने मोटे हैं, कितने चौड़े हैं। हम 6 फीट के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 फीट के हैं। ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं ये कितनी बड़ी है। जाहिर है कि ये ज़मीन हमारे हजम से, हमारे साइज़ से लाखों करोड़ों गुना बड़ी है, यानी हम इस ज़मीन के मुकाबले में कुछ भी नहीं, एक ज़र्रे की तरह हैं। फिर ज़रा सोचिए कि ये सूरज जो हमें रोशनी देता है ये हमारी ज़मीन से कितना बड़ा है। फिर आप सोचिए कि इस तरह के कितने हज़ारों लाखों सूरज हमारी गैलेक्सी में, हमारी कहकशां में मौजूद हैं। खुद जो हमारी कहकशां है, इस कहकशां का जो साइज़ है, ये कहकशां कितनी बड़ी है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक रोशनी को पहुंचने में लाखों साल लग रहे हैं। हालांकि रोशनी एक सेकंड में 30 लाख किलोमीटर की मसाफत तय करती है। तो ये कहकशां कितनी बड़ी है कि इस एक कहकशां के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोशनी को पहुंचने में लाखों साल लग रहे हैं। ये कितनी बड़ी है। और फिर इस तरह की कितनी हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों और अरबों कहकशाएँ हैं इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। कितने बड़े बड़े सूरज, कितने बड़े बड़े सितारे, और फिर उनके मातहत बहुत सारे प्लैनेट्स, ये सब क्या हैं? अल्लाह ताला की कुदरत और शान ही को तो बताने के लिए हैं। आप फिर ज़रा छोटी चीज़ों पर जाएं कि आप अगर एक सुई रखें किसी जगह पर, आप खुद सोचिए कि वो जो सुई की नोक है वो कितनी छोटी है, कितनी बारीक है, वो कितने कम हिस्से को कवर करती है। लेकिन अभी साइंसदां कहते हैं कि जब आप किसी जगह पर एक सुई रखते हैं तो उस सुई के नीचे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों एटम आ जाते हैं, यानी उस सुई के अंदर, सुई के एक ज़र्रे के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों अरबों एटम आ सकते हैं। वो एटम कितने छोटे हैं। एक तो देखिए हमारी आँख कितनी छोटी है, फिर हमारी आँख के अंदर जो कलर पहचानने वाली चीज़ है उसके अंदर 56-57 हज़ार सेल्स मौजूद हैं। ये सेल्स कितने छोटे हैं। फिर हमारे जिस्म के अंदर जो डीएनए है वो कितना छोटा है कि अभी रिसर्च करने वाले कहते हैं कि अगर हमारे एक शख्स के जिस्म से डीएनए को निकाला जाए और फिर इसे लंबाई में बिछाया जाए तो इंसान चांद से 7 मरतबा घूम कर वापस आएगा, यानी 7 मरतबा चांद पर जाएगा, 7 मरतबा वापस आएगा, तब जाकर एक इंसान के जिस्म में मौजूद डीएनए ख़त्म होगा। इतने सारे डीएनए को हमारे जिस्म के अंदर डालने वाला कौन है? कौन है? छोटी छोटी चिड़िया को आप देखें, गौर करें कभी कि कौन है जो उसकी माँ को सिखाता है कि खुराक हासिल करना है और बच्चे के मुंह में लाकर खिलाना है। कभी कभी आप इंटरनेट पर मौजूद इस तरह की वीडियोस भी देखा करें, इससे अल्लाह ताला की शान आपके सामने खुल कर सामने आएगी। फिर अल्लाह की जब मार्फत बढ़ेगी ना तो दिल के तहखाने में अल्लाह की मोहब्बत पैवस्त हो जाएगी। वो मेरा रब कैसा है, वो कैसी शान वाला, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। मैंने आज ही एक पौधा देखा, उस पौधे के पास मैंने एक लकड़ी बांध रखी है। तो ये पौधा है, ये पौधा है और ये लकड़ी है। मैं देख रहा था कि उसकी शाखों से छोटी छोटी तार निकल कर इस लकड़ी के अंदर लिपट रही है। मैं समझ गया कि ये पौधा खुद से खड़ा नहीं हो सकता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें बिल्कुल बारीक बारीक से तार बनाए ताकि वो लिपट कर खड़े हो जाएं और वो ऊंचे चले जाएं। ये कौन है? ये कौन है? जो पौधों को सिखाता है कि तुम्हें इस तरह से निकलना है, तुम्हें इस मौके पर फूटना है, तुम्हें इस मौके पर फल देना है, तुम्हें इस मौके पर पत्ते देना है और फिर तुम्हें इस मौके पर मरकर फना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। फिर जब इस तरह की बारिश होगी तो तुम्हें खुद ब खुद उग जाना है। ये कौन है? ये अल्लाह ही तो है। आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, आप किसी भी एक चीज़ को लीजिए और फिर उसमें गौर कीजिए। आप किसी भी एक फल को लें, आप सेब में गौर करें। ये बहुत मुश्तरक फल है, हमें से अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी जब सेब के टुकड़े को अपने मुंह तक ले जाएं तो ज़रा सा रुकिए और फिर सोचिए कि ये सेब क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा है। इस सेब में अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें फीड कर दी, इसके बीज के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या मैसेज दे दिया। अल्लाह ताला ने सेब को किस तरह की हिदायत दी कि तुम्हें कब बड़ा होना है, कब तुम्हें टूट जाना है, कब तुम्हें सड़ जाना है, गल जाना है। फिर जो तुम्हारा बीज होगा तो वो बीज जब ज़मीन में जाएगा तो उसे इस मौके पर पानी, हवा जब मिलेगी तो फिर उसे उगना है। फिर उसके अंदर इतनी इतनी डालियाँ होंगी और फिर उसके अंदर इतने इतने फल होंगे और फिर हर फल के अंदर इतने बीज होंगे और हर बीज को फिर यही पैगाम देना कि जब तुम ज़मीन में जाना तो फिर तुम्हारे अंदर से एक पौधा निकले। ये सब पैगामात इस छोटे से बीज के अंदर किसने फीड किया? किसने? बेशक ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है। हादा खल्कुल्लाह फ़अरूनी मादा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी। ये मेरे रब की पैदाइश है, ये मेरे रब की तख्लीक़ करदा चीज़ है, ये मेरे रब की सन्नाई और कारीगरी है। ज़रा दिखाओ तो गैरुल्लाह ने क्या पैदा किया है। तो अल्लाह की शान के बारे में तफक्कुर करना, सोचना, ये इबादत है। आज जो हमें अपने अंदर इस सिफत को पैदा करनी है कि हम बैठकर कभी कभी अल्लाह की शान के बारे में सोचा करें। कभी हम अपने हाथ को ही लिया करें और फिर सोचें कि इसके अंदर कितनी कितनी लकीरें हैं, इसके अंदर कितने कितने नस हैं जो मौजूद हैं। अगर ये ऊपर की ये खाल ना होती तो सारे नस दिखते रहते, सारी रगें दिखती, फिर हमें अच्छा नहीं लगता। फिर कोई भी चीज़ हाथ में हम लेते तो वो कभी किसी रग के नीचे चली जाती, वो कहीं जाकर फंस जाती। कभी सोचा करें इन चीज़ों में, इन लकीरों में अल्लाह ताला ने क्या क्या हिकमतें रखी हैं, इन लकीरों के फ़ायदे क्या हैं। फिर देखिए इन उंगलियों को कि यहाँ से मुड़ जाती, हमें कोई चीज़ पकड़नी हो तो हम आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। आँख पर गौर किया करें, इन आँखों में अल्लाह ने ये पर्दे रखे हैं कि अगर कोई ज़र्रा भी यहाँ पर आ जाए गंदगी का तो इन आँखों के इस दरवाज़े में अल्लाह ने ये सलाहियत दी कि ख़ुद से पलक झपकी चली जाती है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता, इरादा भी नहीं करना पड़ता। अल्लाह ने इंसान के अंदर वो हिस्स दिया कि अगर कोई शख्स एक बॉल फेंके और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वो बॉल अगर आएगी तो बग़ैर देखे ही इंसान का सर यूँ झटक जाएगा और इंसान अपने सर को खुद से हटा लेगा। ये हिस्स कहाँ से आई? किसने? ये सब कुछ फितरत है, ये सब कुछ खुद से है, यह इसको देने वाला कोई है, वही है, वही मेरा रब है, वही अल्लाह है। तो अल्लाह के बारे में सोचना, अल्लाह की मखलूक़ात में गौर करके अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश करना, हम इस सिफत को, इसे कहते हैं तफक्कुर। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, बेशक ज़मीन की पैदाइश में और आसमान की पैदाइश में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और दिन और रात के बदलने में, लआयातिन लिउलिल अल्बाब, अक्लमंदों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। ज़मीन में, आसमान में, दिन में, रात में, सब में निशानियां हैं। किस में है? किन लोगों के लिए हैं? लिउलिल अल्बाब, अक्लमंदों के लिए। अक्लमंद कौन है? अल्लज़ीना यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो लोग हैं जो ज़मीन व आसमान की पैदाइश में यतफक्करून, फ़िक्र करते हैं, गौर करते हैं, सोचते हैं, तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर करते हैं। तो अल्लाह ने तफक्कुर का हुक्म दिया, फरमाया तफक्करू फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की पैदाइश में गौर करो। तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ में गौर करेंगे और गौर करने के ज़रिए अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का फरमान है ला तफक्करू फिल्लाह वलाकिन तफक्करू फी खल्क़िल्लाह, अल्लाह के बारे में ज़्यादा सोचा मत करो, यानी ये मत सोचा करो अल्लाह कब से है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कैसे है, बैठा है, खड़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचा करो। वलाकिन तफक्करू फी खल्किल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में गौर किया करो, अल्लाह तक पहुँचना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम इस सिफत को, सिफत तफक्कुर को अपने अंदर पैदा करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो आज तज़किया के ताल्लुक़ से ये बातें सामने आई हैं और जहन नशी रहे कि जब हम तफक्कुर करेंगे, अल्लाह की तख्लीक़ात में हम गौर करेंगे तो अल्लाह तक पहुँचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा होंगी, क्योंकि जब अल्लाह की मार्फत हमें हासिल होगी ना, तो फिर हम अल्लाह की मार्फत की वजह से, अल्लाह को पहचानने की वजह से बुराइयों से रुकेंगे और नेकियां करेंगे इंशाअल्लाह।